दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी पेशेंट के अंदर अगर T4 टोटल T4 बिलो नॉर्मल आए और TSH स्लाइटली हाई हो या रेंज के अंदर हो, इसका मतलब कि उस पेशेंट के अंदर या तो रिपोर्ट गलत है ये, या ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH ब्रेन कैपेसिटी कम हो गई है, जिसके सेंट्रल हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे T4 थायराइड हार्मोन T4 बिलो नॉर्मल आता है, TSH ऑलमोस्ट ऑलवेज 20 के ऊपर चला जाता है। तो अगर TSH 20 से नीचे है और T4 बिलो नॉर्मल आ गया, या TSH बिलो 10 आ गया, मान समझ लो नॉर्मली 10 तो ऊपर होना ही होना चाहिए, तो TSH बिलो 10 है और 5-10 के बीच में आ रहा है और T4 लो है, तो ऐसे में आप फिर से दोबारा किसी अदर लैब से फ्री T3 फ्री T4 और TSH चेक करिए, और वहाँ भी फ्री T4 लो आ रहा है और TSH नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है ना, नॉर्मल या बिलो नॉर्मल है, तो इसका मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH ब्रैंक कैपेसिटी कम है। नॉर्मली सिस्टम बॉडी क्या होता है, जैसे T4 बिलो नॉर्मल आता है, TSH पिट्यूटरी बनाता है खूब ज़्यादा टू स्टिमुलेट थायराइड टू मेक मोर थायराइड हार्मोन। तो इसका मतलब कि अगर फ्री T4 लो है और TSH ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, मोर देन 20 नहीं गया, इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर TSH ब्रैंक कैपेसिटी नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये TSH ब्रैंक कैपेसिटी क्यों कम होती है, तो वहाँ ब्लड फ्लो कम हो जाए या कोई ट्यूमर आ जाए जो कि पिट्यूटरी प्रेस करके TSH बनने न दे। तो जब भी क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत आती है, तो कभी कभी थायराइड TSH बनने के साथ साथ अदर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाइक एक हार्मोन ACTH होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज के अंदर बॉडी के अंदर ACTH क्या होता है, पिट्यूटरी से निकल के बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल स्टेरॉयड बनने को प्रमोट करता है। तो जब भी ACTH कमी होती है तो बॉडी में कॉर्टिसोल स्टेरॉयड कमी हो जाती है, जिससे मरीज को वीकनेस, वेट लॉस, बॉडी पेन, घबराहट, डायरिया, ये सिम्टम आने लगते हैं। तो प्लस कभी कभी एक अदर हार्मोन ADH की कमी आती है, उससे मरीज को बार बार पेशाब आता है, कभी कभी सेक्स हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं LHFSH, जिसके वेमेन को पीरियड आने बंद हो जाते हैं, शरीर के बाल जो है हमारे उनके एक जिला में और नीचे पीवी के बाल भी कम हो जाते हैं, तो ये सब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। तो कभी भी T4 डाउन हो और TSH नॉर्मल या लो हो, तो आपको ऐसे में ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड का MRI करना पड़ेगा, जानने के लिए कि वहाँ ब्लड फ्लो कम तो नहीं हो रहा है या कोई ट्यूमर तो नहीं है, और बेस्ड ऑन दैट थायराइड हार्मोन के साथ साथ अदर हार्मोन देना पड़ेगा। और मरीज का वेट लॉस हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कमी है, तो स्मॉल डोज ऑफ स्टेरॉयड कुछ दिन देनी पड़ती है, जिससे मरीज कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। तो इसे देखा आपने कैसे लो T4 लो TSH कैसे मैनेज किया जाता है।